Hello students, welcome to Diameter Classes. I hope you are well and healthy at your home and following the guideline of the PM. So students, today's life changing thought is, tough time don't last, tough people do. Bura waqt jyada der tak nahi rehta, lekin tough people jo hote hain, strong people hote hain, wo exist karte hain, wo apni life mein success paate hain, wo apni लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करते हैं और एक उच्च पद हाई पोजीशन को प्राप्त करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको टफ टाइम में रुक नहीं जाना है, आपको आपका जो गोल है, आपका जो सक्सेस, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, भले ही आप उस रेट से नहीं कर पा रहे जिससे आप निरंतर कर रहे थे, लेकिन धीरे ही सही, लेकिन आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, तो एक दिन निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई होप स्टूडेंट्स, ये लाइफ चेंजिंग थॉट आपके लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लाएगा, जिससे आप आपके गोल, आपके सक्सेस, आपके ड्रीम्स, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरे करने में आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लाइफ और बेहतर से बेहतर हो सकेगी। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारी क्लास की। और तो लास्ट क्लास में हमने लाइंस और एंगल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे और आई होप स्टूडेंट्स आपको उसमें कुछ भी डाउट्स नहीं होगा। अगर कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर हमसे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम पर डायमीटर क्लासेस डिस्कशन चैनल बनाओ, उधर भी आप आपकी प्रॉब्लम्स को हमसे पुट कर सकते हैं, तो हम आपको एज सून एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट एओपी इज अ लाइन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब 1-2 मार्क्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान से देखना। जैसे कि एक लाइन है, एओबी इज अ लाइन को प्रूव करना है, एबी लाइन है, ओके, और यहां से एक रे एक्सटेंड हो रही है सी और एक और रे हो रही है डी। आपको एंगल गिवन है, ये एक्स, ये वाई, ये हो गया Z और ये हो गया W, ये मिड पॉइंट है और उसका नेम है जीरो। आपको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि पॉइंट O पे अगर सम ऑफ, मतलब O पे कितना एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल जो हमने देखते हैं, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो हम लिखेंगे एंगल्स अराउंड पॉइंट ओ आर, ओके। क्या होगा, देखो अराउंड सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360, सो वी कैन राइट एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सबका सम किसके इक्वल होगा 360 के, देन एक्स प्लस वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो ये जो W प्लस जेड है उसको हम रिप्लेस करेंगे X प्लस वाई से, तो ये हो गया X प्लस वाई इक्वल टू 360। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2X प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 360, देन X प्लस वाई क्या होगा 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180, ठीक है। अब आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कोई एक लाइन है उस पे वन एक रे एमर्ज हो रही है और जो ये एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम अगर 180 है तो AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। हमने एग्जाम पढ़ी थी, एग्जाम जो सेकंड जो थी उसमें हमने यही चीज पढ़ी थी और यही देखा था। तो स्टूडेंट्स, यही चीज हमने इसमें प्रूव कर ली। आई होप स्टूडेंट्स इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें लास्ट में आप एक लाइन लिख लेंगे, सिंस सम ऑफ
adjacent angle is 180, therefore AOB is a line. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि एक लाइन पे अगर रे अगर इमर्ज कर रहे हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम क्या होगा, 180. तो ये जो लाइन है वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी. तो इस कंसेप्ट से, इस एग्जाम से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया, और आई होप स्टूडेंट्स आपको भी ये अच्छे समझ में आ गया होगा. तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. जो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का मार्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है. तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR, प्रूव दैट ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS. तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका डायग्राम भी आपको साथ में दिया हुआ है, ऑन ड्रॉ करते हैं. क्या है, पी क्यू एक लाइन है, उसके ऊपर आर हो जो है, आर ओ क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड एस ओ एक रे इधर, ठीक है. तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है. अब आपको प्रूव करना है कि आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है. तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो आपको जो गिवन डेटा है, क्या गिवन है, गिवन आर ओ क्यू इज अ राइट एंगल, आपको दिया है कि आर ओ क्यू क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है. तो अगर आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो पी ओ आर वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा. सो एंगल POR इज ऑल्सो 90 डिग्री. आप लिनियर पेयर से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको उससे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ROQ प्लस POR इक्वल टू 180. ये अगर 90 है तो 180 माइनस 90, तो POR आपका 90 आएगा. इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. तो अगर ओके, ठीक है. अब देखते हैं POR 90 है, तो एंगल POS प्लस ROS दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाए 90 के इक्वल. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल. तो इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है स्टूडेंट्स. आपको यहां तक समझ में आ गया, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो आपके क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या क्यू ओ एस दिया, तो क्यू ओ एस तो हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस इक्वल टू आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, लिख सकते हैं कि क्यू ओ एस किसके इक्वल है, आर ओ एस, हाँ आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस के इक्वल है, ठीक है. देन आपको पता है आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पुट कर ली और इक्वल टू आर ओ एस, और ये इक्वल है क्यू ओ एस के. अब हम क्या करेंगे, 90 को एक साइड रखते हैं और बाकी को ऐसे इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल है, 90 के. ये हो गया सेकंड. और आपकी फर्स्ट क्या थी, कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. तो दोनों ही सम ऑफ एंगल्स या डिफरेंस ऑफ एंगल्स क्या है, 90 के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बाय 1 एंड 2 दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 के इक्वल, मतलब दोनों ही 90 के इक्वल है. तो ये दोनों एलएचएस है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पीओएस प्लस इसका जो एलएचएस है वो आरओएस इसके एलएचएस के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आरएचएस दोनों के इक्वल है तो एलएचएस भी दोनों के इक्वल होंगे. तो क्यूओएस
माइनस आर ओ एस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तो कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर ओ एस है, यहाँ पे भी आर ओ एस है, तो आर ओ एस को हम वन साइड ले आते हैं, इसको अगर इधर ले आएंगे, आर ओ एस को इधर लाएंगे, माइनस आर ओ एस यहाँ पे आएगा तो प्लस आर ओ एस, आर ओ एस आर ओ एस आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा टू आर ओ एस। क्यू ओ एस है उसको एज इट इज लिख लिया, इसको देन पी ओ एस था इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस पी ओ एस आ गया। अब यहाँ पे आ गया आर ओ एस किसके इक्वल होगा टू है, इसको इधर ले आएंगे इस पर, तो ये हो गया हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यही आपको प्रूव करना था, आपने इसको इजिली प्रूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिया है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की मेन खासियत यह है कि इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया, इसमें आपको डायग्राम खुद को बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 है, तो हम एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, एक्स वाई एंड जेड, ये एंगल आपको गिवन है 64 डिग्री। ठीक है, देन ये एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, ओके। देन इफ रे y क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देखो जेड वाई पी है, इसको एक रे है जो y क्यू जो है वो क्या करी बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना, कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना वो होता है बाइसेक्ट, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम बनाना आ गया होगा, तो अब देखते हैं आपको गिवन क्या है। Given that वाई क्यू bisect कर रहा है, bisects angle जेड वाई पी, ठीक है, जेड वाई पी को bisect कर रहा है मतलब क्या होगा कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू जेड वाई क्यू, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी, ये जो एंगल है क्यू वाई पी इसके इक्वल होगा जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू, और इसको हम नेम दे देते हैं दोनों को x दे दिया लैट, ओके। ठीक है, नाउ आपको पता है px क्या है, एक लाइन है, ठीक है, देन सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, pn एक लाइन है और yq qy एंड yz आर रेज स्टैंडिंग ऑन इट, स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर दो रेज स्टैंड हो रही है, तो उनका सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 180 होता है स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे पी एक्स वाई होगा जेड और ये है आपका क्यू, ठीक है, ये आपको 64 डिग्री दिया, आपने एज्यूम किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों को आपने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, कि पीएक्स का एक लाइन है तो ये सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, मतलब एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, तीन एंगल्स का सम 180 के इक्वल। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, किसके इक्वल है एक्स प्लस एक्स और एक्स वाई जेड किसके इक्वल है 64 के 180, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री, तो कितना हो गया 116, x कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 116, तो x आ गया आपका 116 अपॉन 2, तो कितना आ गया 58 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने x x किसके इक्वल था स्टूडेंट्स आपके क्यू वाई पी
इक्वल टू वाई जेड क्यू इक्वल टू किसके इक्वल है, दोनों एक्स के इक्वल थे, दोनों 58 के इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स क्यू आई पी, क्या फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स किसके इक्वल होगा 360 माइनस 58, तो ये एंगल हो गया आपका 302 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी को तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या बाकी, एक्स वाई क्यू कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई क्यू, तो आपको देखना है स्टूडेंट्स कि एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, दोनों एंगल्स का सम है ये और इन दोनों का एंगल्स का सम है ये पूरा, ठीक है। तो जेड वाई क्यू हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री प्लस ये आपको दिया है 64 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 84 एंड 122। तो एक्स वाई क्यू आ गया स्टूडेंट्स आपका 122। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर डायमीटर क्लासेस चैनल है उस पर भी आप आपकी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपको यही 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स जो गिवन है उनको भी आप घर पे प्रैक्टिस करना, और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आई होप अगर आपने आज की क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डायमीटर क्लासेस। स्टे होम स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।